आप देख रहे हैं लैया टीवी HD। चलते हैं आज की न्यूज़ अपडेट की तरफ। डिप्टी कमिश्नर लैया खालिद परवेज़ की ज़ेरे क़यादत अर्थ डे के हवाले से आगाही वाक का इनेकाद किया गया। आगाही वाक ज़िले इंतजामिया और महकमा माहौलियात के ज़ेरे अहतमाम ख़त्म नबूवत चौक से बैल चौक तक की गई। वाक में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर शाहिद रियाज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम शौकत अली शेरवानी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कामरान जावेद, इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद जुलकरनैन सैयद, इमरान अली शाह, रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने प्लास्टिक की आलूदगी में किरदार और उसके खात्मे पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ वाक के अख्ताम पर इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। आज के दिन का मकसद माहौलियात के तहफ़ की अहमियत उजागर और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब ने प्लास्टिक थैलों पर 5 जून से पाबंदी आयद कर दी है। प्लास्टिक आलूदगी की जड़ है, हमें प्लास्टिक का मुतबादल बनाकर मुल्क को आलूदगी से बचाना है, जिसके लिए हर फर्द माहौल दोस्त इकदाम के लिए अपना किरदार अदा करें। चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत के मुताबिक प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उसको हम लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सके इनको ख़त्म कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर शुरका में कपड़े के थैले भी तकसीम